मध्य प्रदेश के रीवा की ओर ले चलते हैं, जहां पर प्रचार से माफीनामा मांगने गए पूरे छात्रों को उठा ले गई पुलिस। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय का मामला बताया जा रहा है। पूरा मामला क्या है, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। क्या नाम है आपका? अंकित तिवारी, पूर्व छात्र संघ सचिव। क्या समस्या है? विगत दिवस 9 मार्च 2020 को शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में वार्षिक स्नेह मिलन सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें माननीय प्राचार्य महोदय जी ने प्रेस नोट के माध्यम से पूरा छात्रों को एवं यहां अध्ययनरत छात्रों को असामाजिक तत्व कहे थे एवं उन्होंने यह भी आरोप लगाए थे कि पूर्व छात्र संघ सचिव यहां के छात्र नेताओं को बरगलाने का काम करता है एवं कैंपस में अराजकता का माहौल निर्मित करता है। हम पूरा छात्र संघ, बजरंग दल एवं विद्यार्थी परिषद ने सामूहिक रूप से सार्वजनिक तौर पर प्राचार्य जी से माफीनामे की मांग किए हैं। अगर प्राचार्य जी 24 घंटे के अंदर माफीनामा प्रस्तुत कर देते हैं तो हम लोग माफ़ कर देंगे, अपना प्रदर्शन बंद कर देंगे। अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम चरणबद्ध तरीके से यह प्रदर्शन जारी रखेंगे। धन्यवाद। देखिए, ये जो EBVP के छात्रों को तो अपनी मालूम है कि हमारे यहाँ से दो छात्र हैं, एक भूतपूर्व छात्र अंकित तिवारी है और दूसरा छात्र जो है आलोक तिवारी, यहाँ का है, BSc फाइनल करता है। ये दोनों छात्र समय समय व्यवस्था फैलाते हैं, नारेबाजी करते हैं और बाहरी छात्रों को बुला करके यहाँ पर अपने जो महाविद्यालय के टीचर हैं, प्राचार्य हैं, उन पर दबाव डालते हैं। इनका मेन मकसद है कि 24 मार्च से परीक्षाएं शुरू होने वाली है, उसमें दबाव बना करके ये नकल करें, उसके साधनों का उपयोग करें, जो कि यहाँ पर कॉलेज काफ़ी सख्त है इस महाविद्यालय का, जो किसी प्रकार की अव्यवस्था सहन नहीं करता है। हम लोग पूरा स्टाफ यहाँ पर ये लगा रहता है कि कोई भी असामाजिक तत्व यहाँ पर ऊपर से बाहर से ना आने पाए, उसको रोकथाम किया जाए, परीक्षा शांतिपूर्वक न्यायपूर्वक संपन्न, जिसमें किसी प्रकार की नकल सामग्री का साथ उपयोग न करें। इन सब व्यवस्थाओं को नष्ट करने के लिए दो छात्र यहाँ पर हैं, एक भूतपूर्व छात्र अंकित तिवारी है जो कि नकल प्रकरण में 3 साल पूर्व यहाँ से पकड़ा गया था। उसी समय वो प्राचार्य से और कुछ प्राध्यापकों से दुश्मनी रखता है, बार बार वो हमारे छात्रों को लाके यहाँ पर अवस्था फैलाता है। और दूसरा आलोक तिवारी है, वो भी यहाँ का निशुल्क करता है और बार बार मुझे वो व्यक्तिगत रूप से 2-3 बार उसने गाली दिया, मारने की धमकी दिया, यहाँ तक कि जान से मारने की भी धमकी दिया कि प्रिंसिपल तुम बाहर जब भी जाओगे तुमको हम मारेंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे। ये आलोक तिवारी ने हमको धमकी दिया है।